हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आकाश विजयरन और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में। जो यूएस है अमेरिका, उसने आज नहीं मतलब कल उसने फॉर्मली यू ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। 6 महीने पहले भी आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो लोग जो है ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे। तो अब कल उन्होंने फॉर्मली इसमें से विड्रॉ कर लिया है। तो आज हम देखेंगे कि ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, क्या क्या कुछ इसके प्रोविजंस थे और क्यों यूएस ने इसमें से विड्रॉ किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये अल जजीरा का आपका आर्टिकल है। इसमें उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली विड्रॉस फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी, मतलब फॉर्मली जो है अमेरिका ने अब ओपन स्काईज ट्रीटी में से विड्रॉ कर दिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फॉर्मली विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज, मतलब फॉर्मली अब उन्होंने कर लिया। ठीक है, जो आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के स्पोक्स पर्सन उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा नवंबर 22 को कि अगर जैसे सबको पता है कि 6 महीने पास कर चुके हैं जब यूएस ने लास्ट टाइम इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। मई में नोटिफिकेशन जो है अमेरिका ने निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये लोग जो है ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे। तो अब ये प्रोविजन एक ओपन स्काईज ट्रीटी में था कि जो भी मेंबर स्टेट इसमें से विड्रॉ करना चाहता है वो 6 महीने के नोटिस के बाद, वो एक नोटिस के बाद मतलब 6 महीने के बाद अपने आप जो है उस ट्रीटी में से विड्रॉ कर जाता है। ऐसा जो है ओपन स्काईज ट्रीटी में एक प्रोविजन है। वो कौन सा है? ये आपका आर्टिकल 15। ठीक है, आपके रोमन काउंटिंग में लिख रखा है, तो आप भी अगर इसको लिखे तो रोमन काउंटिंग में ही लिखें। ठीक है, तो अभी आपका 6 महीने वाला पहला ये था आपका ORF का आर्टिकल है, यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। उस वक्त जो है यूएस ने सिर्फ इसमें से विड्रॉ करने का एक नोटिफिकेशन ही जारी किया था सिर्फ। ठीक, द स्टेटमेंट ट्रीट्स दैट एज 6 months हैव पास्ड द यूएस विड्रॉल टुक इफेक्ट ऑन नवंबर 22, 2020। मतलब लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था वो आपका आया था मई 22 को, तो आपका जो अब विड्रॉल फॉर्मल विड्रॉल हुआ है वो भी आपका हुआ है नवंबर 22 को। दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका 6 months का है। ठीक है, यूएस इज नाउ नो लॉन्गर अ स्टेट पार्ट टू द ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज, तो मतलब यूएस जो है अब मेंबर स्टेट नहीं रहा ओपन स्काईज ट्रीटी का। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पोम्पियो आपके, उन्होंने इस बात की जानकारी दी ट्वीट करते हुए। ठीक है, आपको पता होगा माइक पोम्पियो जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, जो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया की विजिट पे भी आए थे मिनिस्ट्रियल डायलॉग के लिए, जो 2+2 का मिनिस्ट्रियल डायलॉग था। हाँ, तो वही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये उनके ट्वीट की पिक्चर है। आई एम सो सॉरी, ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है। ठीक है, पर इतना है कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे कि पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर हो। ठीक है, तो ये उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज आखिरकार है क्या। 1992 में ये ट्रीटी की बातचीत स्टार्ट हुई थी। नेगोशिएशन जो आपके होते हैं, डिस्कशन, वो आपके स्टार्ट हुए थे 1992 में, लेकिन जो साइन हुआ वो आपका हुआ जनवरी 1, 2000, तो मतलब 10 साल के बाद जो है ये ट्रीटी पे साइन किया गया। अब कोई भी ये ऐसी जो आपकी हिस्टोरिकल जो ट्रीटीज होती है ना, जितने आपके हिस्टोरिकल पैक्ट्स या एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको साइन करने में इतना ही टाइम लग जाता है। ठीक है, जो आपका आरसीपी था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आरसीपी आपके नेगोशिएशन अगर हम देखें बिल्कुल परफेक्टली जो स्टार्ट हुए थे वो 2013 में स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो आपका साइन किया गया वो आपका कुछ दिनों पहले नवंबर में ही, अभी कुछ दिनों पहले साइन किया गया आपका। ठीक है, 10-11 दिन पहले देख लीजिए, मतलब 7 साल के बाद आरसीपी साइन हुआ था, जैसे 10 साल के बाद आपका ओपन स्काईज ट्रीटी भी साइन किया गया था। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह आपके एक ट्रीटी में है कि आपकी ट्रीटी में आपको पता होगा कि कोई भी जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं वो किसी भी मेंबर स्टेट की टेरिटरी पर जाके एक एरियल सर्वेलेंस कर सकती है। ठीक है, एरियल सर्वेलेंस मतलब अगर किसी कंट्री को ऐसी कुछ इनपुट्स मिले हैं कि वो जो आपकी उसी ट्रीटी का एक मेंबर स्टेट कुछ अलग तरीके की मूवमेंट्स कर रहा है, कुछ अलग तरीके की मिलिट्री मूवमेंट्स कर रहा है, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या फिर वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो जो है वो कंट्री उस दूसरी कंट्री के टेरिटरी के ऊपर से एक एरियल सर्वेलेंस कर सकता है अपनी फ्लाइट्स को, अपनी एरोप्लेन्स को भेज के, जिसकी वजह से वो ये इंश्योर कर सके कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने एक तरीके का मतलब चेक करने के लिए वहाँ पे उसको भेज सकता है, वेरीफाई करने के लिए अपने प्लेन्स को, अपने ड्रोन्स को वहाँ पे भेज सकता है। ठीक है, लेकिन वो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो जो प्लेन होगा वो आपका अनआर्म्ड होगा, उस पर वेपन्स किसी भी तरीके के लोड नहीं होंगे, कोई भी उस पर आर्टिलरी ऐसा कुछ उस पर कुछ भी लोड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब पीसफुल तरीके से जाना है, बस इनपुट्स लेने और वापस आ जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो सच्ची में कुछ मिल गया तो वहीं पर अटैक कर दो, ऐसा कुछ इसमें प्रोविजन नहीं है। ठीक है, पीसफुल तरीके से जाना है और पीसफुल तरीके से वापस आ जाना है। तो इसमें आपके 35 नेशन हैं। ठीक है, और 35 में जो आपके कुछ नेशन जो आपके यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, इटली, पोर्टुगल एंड रशिया, सारे याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब आपका ओपन स्काईज ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कैन ऑब्जर्व वन अदर्स मिलिट्रीज थ्रू एरियल सर्वेलेंस, मतलब कोई भी कंट्री जाके एक दूसरे की मिलिट्री सर्वेलेंस कर सकती है, कैसे? एरियल सर्वेलेंस से, ठीक है। अपने प्लेन्स को भेजो, वो आपके इनपुट्स देख रहे हैं, तब आप डिसाइड करें, तब आप देखें कि जो आपकी वहाँ की मिलिट्री मूवमेंट्स हैं क्या वो कुछ ऐसा है जो कि शांति के लिए थोड़ा खतरे वाली बात हो, ठीक है, तो आप जाके ऐसे इंश्योर करें, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या है कि कोई भी मेंबर स्टेट जो है वो दूसरी कंट्री के पूरी टेरिटरी पे जो है घूम के चक्कर लगा सकती है और अपने इनपुट्स कलेक्ट कर सकती है। जबकि होस्ट कंट्री होगी उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो कंट्री को मना करे, किसी भी कंट्री को मना करे कि जो है आप इस वाले एरिया पे आके अपनी सर्वेलेंस नहीं कर सकते। किसी ऐसा राइट किसी भी कंट्री को नहीं है। आप किसी भी कंट्री के प्लेन को, किसी भी कंट्री की टीम को आप लोग किसी भी टेरिटरी पर जाने के लिए रोक नहीं सकते। वो आपकी टेरिटरी पर आके कहीं पे भी जो है इनपुट्स लेकर जा सकती है, ठीक है। एरियल सर्वेलेंस याद रखिएगा, सिर्फ एरियल सर्वेलेंस कहना है, ठीक है। तो मतलब ऐसा राइट किसी कंट्री के पास नहीं है कि वो किसी को मना कर सके। Under the treaty, each country has an annual quota for how many flights it must accept and how many it can conduct। तो मतलब इसमें कोटा डिवाइड कर रखा है आपका, ठीक है, कि कौन सी मतलब कंट्रीज जो है कैसे कितनी फ्लाइट कंडक्ट करवा सकती हैं, कितनी फ्लाइट होस्ट कर सकती हैं, ठीक है, और कितनी फ्लाइट जो है खुद कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और जबकि ओवर फ्लाइट्स होती हैं वो लार्जली आपके साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब रशिया का सबसे बड़ा साइज आपको पता है, ठीक है। रशिया तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है और ओपन स्काई ट्रीटी में तो फिर वो रहेगी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पास थोड़ा कोटा ज़्यादा होगा। देन आपकी कनाडा एक मेंबर स्टेट है इसका, तो कनाडा आपको पता है सेकंड नंबर पे आता है एरिया में। देन आपका यूएस, तो मतलब ऐसे करते करते जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होता जाता है, ठीक है। ऑल सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रीटी हैव द राइट टू कंडक्ट एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स ओवर एनी पार्टी नेशन दैट ओवरफ्लाइज इट एंड मल्टीपल स्टेट पार्टीज कैन टेक पार्ट इन एन ओवरफ्लाइट, ठीक है। तो जितने भी सिग्नेटरीज होंगे उसके पास सिर्फ उतनी ही ऑब्जर्वेशन फ्लाइट लेने का अधिकार जितने कि उसने अपनी कंट्री पर होस्ट करवाए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर जाके 35 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स उसने लगा दी, मतलब कर ली, और फिर उसके बाद फिर जो है अमेरिका को अल्टीमेटली अपनी कंट्री में भी 35 फ्लाइट्स जो है कंडक्ट करवानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस कैश ट्रीटी का जो मतलब इतनी हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो इतना क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता है ओपन स्काई ट्रीटी एम्स टू बूस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब दो देशों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाना तो उन देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस देश में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के आसार लगभग 200% बढ़ जाते हैं, लगभग 200% डायरेक्टली बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक तरीका का है कि आप खुद देखिए, अब ये है आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ठीक है, कि मतलब दोनों जो आपके सारे मतलब मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे को पावर दे रहे हैं कि भाई अगर आपको शक है तो आप आगे ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स लगाइए, आप चेक करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। आप छोटे छोटे मान लो कोई गलत इनपुट आ जाता है तो, और ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि आप लोग ओपन स्काई ट्रीटी से आप लोग ऐसे मतलब सर्वेलेंस कर सके, आप ऐसे वेरिफिकेशन कर सके। तो अगर किसी कंट्री के पास गलत इनपुट आ गया ऐसे ही, तो वो जो कंट्री उसके पास चेक करने का कुछ रास्ता ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो अपने लेवल पे कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर देगी कि हम रिटेलिएट करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बेशक वो कंट्री ना कर रही हो, लेकिन जिसको इनपुट गलत मिले हैं वो तो करेगी ना, वो तो अपनी सिक्योरिटी देखेगी। तो उसने ऐसा कर दिया तो उसने वो ऐसा कुछ कर देगी, फिर दूसरी कंट्री, उसको पता लग जाएगा कि भाई वो दूसरी कंट्री तो ऐसे ऐसे तैयारियाँ करने लग गई है, फिर कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी सी एप्रीहेंशन आ जाएगी। तो मतलब ऐसे करते करते सब एक दूसरे की इसमें आ जाएंगे और जो पीस है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। एंड जिसमें आपके पता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इसमें सारी कंट्रीज के पास जितनी फ्लाइट्स आपने कंडक्ट करी हैं उतनी फ्लाइट्स आपको अपने टेरिटरी के ऊपर से भी होस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी क्लियर प्रोविजन जो मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज इसमें देता है। द ट्रीटी ऑल्सो प्रमोट्स ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिलिट्री फोर्सेज। तो ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी तो ऑब्वियसली है ही। ओपननेस इस वजह से है क्योंकि आप लोग किसी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से सर्विलेंस नहीं कर सकते, आपको सारी टेरिटरीज ओपन रखनी पड़ेंगी। आपको मतलब कोई राइट नहीं है कि आप किसी कंट्री को किसी स्पेसिफिक एरिया पे जाने से मना करें। और ट्रांसपेरेंसी तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो ऊपर से उड़ के जा रहे हैं तो आपकी मतलब डायरेक्टली उनको सब कुछ दिख जाएगा। आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि ऊपर से भी अगर किसी के रिस्ट वॉच तो रिस्ट वॉच में भी टाइम दिख जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे प्रोविजन से एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पीसफुल इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोविजन हैं, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ट्रीटी इज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वही अगर इतने सारे प्रोविजन हैं आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं नहीं होगा फिर, ठीक है। क्योंकि आप जाके इंश्योर करिए, आपको अगर इनपुट्स मिले आप जाके इंश्योर कीजिए, अपने लेवल पे कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे कि बाकी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो। आप पहले जाके इंश्योर कीजिए, अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं फिर जाके सारे नेशन जो है, उस जो कंट्री अगर इसको वॉलेट कर दिया प्रिंसिपल को, तो उसके अगेंस्ट में बिल्कुल सारी कंट्रीज एक्शन ले सकती हैं। अपने लेवल पे आपको बिना किसी वेरिफिकेशन के ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है। तो यूएस ने विड्रॉ क्यों किया? तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं, तो उन्होंने मई में बताया कि रशिया जो है अपने जो उसकी ऑब्लिगेशन इस ट्रीटी के अंडर उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब वो जो है इस ट्रीटी के लिए ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं है, वो अपनी बातों को नहीं, उसके ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को वॉलेट कर रहा है, ठीक है। एंड देन एक आपका था कि रशिया जो है वो कंसिस्टेंटली अमेरिका को मना कर रहा है कि कुछ एरियाज में सर्विलेंस करने के लिए। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स जो है करवाने से मना कर दी थी। कहाँ पे? जो आपका 10 किलोमीटर का कॉरिडोर है ना, जहाँ पे रशिया का बॉर्डर लगता है अबखाजिया एंड साउथ ओसेटिया के पास, ठीक है। वहाँ पे जो है रशिया ने अमेरिका को मना कर दिया था कि आप इस 10 किलोमीटर के कॉरिडोर में आगे एरिया सर्विलेंस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है अमेरिका ने कहा कि रशिया इस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है और वो अपने एक ऑब्लाइज्ड मैनर में इनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। रशिया हैज आल्सो रिपोर्टेड रेस्ट्रिक्टेड फ्लाइट डिस्टेंस ओवर कलिनिंग्राड, जो आपको कलिनिंग्राड का एरिया है, उस पर भी जो है रशिया ने काफ़ी ज़्यादा उनको ऑब्जर्वेशन फ्लाइट कंडक्ट करने से मना कर दिया था, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कलिनिंग्राड में आपके आपके न्यूक्लियर ट्रिप मिसाइल्स रहती हैं, कि जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की जो आपकी मिसाइल्स हैं, वहाँ पे उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर वेपन से लोड रहती है उनसे। तो वहाँ पे जो है रशिया ने कंडक्ट करवाने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो रशिया ने करा ये अच्छा तो नहीं था, क्योंकि इस तरह के एक्शन अगर आप लेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के बारे में थोड़ी एप्रीहेंशन करेगा कि रशिया जो है कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है, कुछ अलग तो है, रशिया की कुछ प्लानिंग चल रही है। तो इस वजह से वो बाकी नेशन अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बढ़कर सामने आ सकता है। In 2019, Russia had also denied a shared observation flight by US and Canada over a large Russian military exercise in 2019. ठीक है, आपको पता है कि हर देश जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कुछ अपने डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं, कुछ आपको पता है कि फिर बायलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, कोऑर्डिनेटर तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आपका कोड जो आपका है वो आपका काफ़ी न्यूज़ में था, मालाबार एक्सरसाइज अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो मतलब इस लेवल पर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। तो रशिया ने कुछ दिनों पहले मतलब 2019 में US और कनाडा को उनके ऊपर से सर्विलेंस करने के लिए मना कर दिया था, जब जो है रशिया जो है अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व था, ठीक है। रशिया ऑल्सो डेजिग्नेटेड एन ओपन स्काई रिफ्यूलिंग एयरफील्ड इन क्रीमिया। आपको पता है 2014 में जो आपका रशिया है उसने यूक्रेन से क्रीमिया का जो पार्ट है वो एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो अब क्या किया है, तो इसको लेके मतलब रशिया की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। उसको जो आपका फोरम आपका G7 है, उसको पहले G8 था, तो उस G8 में से रशिया को निकाल दिया गया था जब वो जाके G7 हो गया था। तो मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है रशिया ने फेस किया था उस टाइम पे। तो अब क्या किया रशिया ने क्रीमिया में अपना एक रीफ्यूलिंग एयरफील्ड जो है रशिया ने क्रीमिया पे सेटअप कर दिया, जिसके अगेंस्ट में काफ़ी यूएस ने रिएक्ट किया। यूएस ने कहा है कि रशिया ने अगर ये एयरफील्ड वहाँ पर डेजिग्नेट की है तो कहीं ना कहीं जो है इसके एक मीडियम से रशिया यूक्रेन के हिस्से पर अपना क्लेम और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट उसकी एक पॉलिसी है, जिसके अगेंस्ट में यूएस ने बोला है। मतलब वो ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज के प्रोविजन को अपने तरीके से मॉडल करके उसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि द यूएस विड्रॉ फ्रॉम द ओपन स्काइज ट्रीटी इज द थर्ड यूएस पुल आउट फ्रॉम एन आर्म्स कंट्रोल पैक्ट, ठीक है। जो ये है यूएस का ये थर्ड पुल आउट है किसी आर्म कंट्रोल पैक्ट में। आपको पता है जो अमेरिका है वो बहुत सारे आर्म कंट्रोल पैक्ट्स का पार्ट था। आपको पता है स्टार्ट एंड SALT I, SALT II एंड आपका ये भी ओपन स्काई ट्रीटी हो गया। तो मतलब ऐसे ऐसी बहुत सारी आपके पैक्स का पार्ट है, ठीक है। तो कम से कम 3 ऐसे पैक्स में से यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और अब जैसे जब वो भी जब से कब से 2017 से, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पावर में आए थे 2017 में, आपके डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, ठीक है। तो मतलब जब पिछले 4 सालों में तीन ऐसे आर्म्स कंट्रोल पैक्ट में से अमेरिका ने पुल आउट कर लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी बात नहीं है वर्ल्ड कम्युनिटी के पीस के लिए, अच्छी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर यूएस जब दुनिया की आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, ठीक है, तो अगर वो ऐसे स्टेप्स लेगा तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो भी एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे कि सारे कंट्रीज में जो आपके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हर कॉन्टिनेंट में आपको किसी ना किसी नेशंस के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी आपको इश्यू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव हैड अर्लियर दिस मंथ डिमांडेड रिटर्न एश्योरेंस। तो मतलब कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि जो आपके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने नाटो के आपके जितने भी मेंबर हैं, आपको पता है नाटो आपका बना था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो नाटो का लीडर कौन था आपका अमेरिका, उसी के लीडरशिप के अंडर ये सारे मेंबर बने थे। तो नाटो के आपके बहुत सारे मेंबर जो हैं वो ओपन स्काई ट्रीटी का भी पार्ट है। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने नाटो के मेंबर से रिटर्न एश्योरेंस मांगा है कि वो इस ट्रीटी के अंदर जो भी इनपुट्स रशिया के टेरिटरी के ऊपर से कलेक्ट करेंगे उनको वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में यूएस के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी कुछ अभी हमें देखने को मिला है। तो बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर सारे देश अगर ऐसे धीरे धीरे करते करते यूएस को फॉलो करेंगे और ऐसे निकलते चले जाएंगे तो अच्छी बात तो है नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फिर बढ़ जाएगा, जो घटाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो जिसने भी हमने पिछले 18 सालों में जिसने भी गेन किया था इस ट्रीटी की वजह से वो सारा कहीं ना कहीं हम कुछ ही मूवमेंट्स में खो देंगे। तो इसकी वजह से आगे क्या है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हमेशा रशिया और यूएस के बीच में मेंटेन रहे, ठीक है। आपको पता है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो बातें एक डायलॉग से नेगोशिएशन से और बातचीत से जो बातें सॉल्व हो सकती हैं वो बातें किसी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। तो इससे जो है रशिया और यूएस के बीच में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हमेशा जो है एक चलता रहना चाहिए, हमेशा दोनों टेबल पे बैठे रहने चाहिए जिससे कि टेंशन जो है वो आपकी एस्केलेट ना हो और जो आपके डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट में ना हो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। एंड आपको पता है कि रशिया के लिए एक काफ़ी अच्छी बात है, रशिया बेशक अमेरिका आपका निकल गया लेकिन रशिया जो है वो भी ट्रीटी की वजह से आपके नाटो के जो मेंबर है उनमें सर्विलेंस कर सकता है, उसके लिए तो काफी फायदे की बात है। आप चाइना को भी आपको उसका पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि पता है चाइना तो है धीरे धीरे सब कुछ कर लेता है फिर हमें पता नहीं लगता और एकदम से चाइना फिर जो है सब कुछ पूरी दुनिया को बताता है कि हमने ये कर लिया। अब कुछ दिनों पहले क्या न्यूज़ थी जिसमें चाइना की कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि ऐसा बताया जा रहा था कि चाइना जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाने की एक प्लान उसने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, अब जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने की तैयारी में है। तो मतलब धीरे धीरे छुप छुप के जो है चाइना सब कुछ कर लेता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी ऐसी ट्रीटीज का ऐसे एग्रीमेंट्स का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस आपके टाइम पर बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अमेरिका की जगह देखना चाहता है, ठीक है, 2035 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपके डाउट्स सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में पता लगा होगा, यूएस के कंसर्न्स के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव आईएएस एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।